एवरीवन, वेलकम बैक टू शूट ऑफिशियल। आज है 12th ऑफ जून और इट इज संडे अगेन। आज एक इवेंट है बैंगलोर में, विच इज इंडिया लार्जेस्ट इवेंट, जहां पे बहुत सारे जानवर मतलब पेट्स रहेंगे। सो इट इज नोन एज पेट गाला। पेट गाला इज द इंडिया लार्जेस्ट इवेंट वेयर ऑल द पेट्स फ्रॉम द कंट्री और उनके ओनर्स, उनके ट्रेनर्स, बहुत सारे लोग आएंगे। ये इवेंट इसीलिए ऑर्गेनाइज किया गया है, जिन लोग जो पेट लवर्स हैं वो आके पेट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी ले, ट्रेनर्स रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। अभी जाएंगे हम और इसका जो मेन अट्रैक्शन है, आई हैव फाउंड टू आर्टिकल्स ऑन द इंटरनेट। उनमें लिखा है कि वहाँ पे पेट फैशन शो रहेगा, ग्रूमिंग सेशंस हैं, लाइव बैंड परफॉर्मेंस रहेंगे पेट्स के, डॉग लाइव पार्टी, डॉग पूल पार्टी, पेट ऑप्शन वगैरह बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फूड स्टॉल्स रहेंगे। लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर द प्लेस। इस एग्जीबिशन का जो लोकेशन रहेगा वो है जया महल पैलेस। फ्रॉम माय प्लेस इट इज 12-13 किलोमीटर्स अवे। लेट्स हिट द प्लेस एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट द प्लेस। मैं ज़्यादा एक्साइटेड इसीलिए हूँ क्योंकि जो पेट सूट वूट पहन के आएंगे दे विल बी लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो जाके देखते हैं फटाफट से। सो कैच यू गाइस सून। तो हम पहुंच गए हैं, अभी आगे 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 ये आ गए हैं हमारे पार्टनर इन क्राइम मैडम जी। कैसे हैं आप? पिछले ब्लॉग में आप गए थे हमारे साथ, कहाँ मेरे को देखे भाई, ऑडियंस को देख के बात करो। कहाँ जा रहे भाई आप? So we have reached the place. Oh, there you go. ये था pet number one. बहुत सारे pets. ये 100% है कि बहुत सारे लोग होंगे और bikes लगे हैं, stalls लगे हैं। क्यों भाग रहा है? ये है पतिदेव और ये इनकी पत्नी। इनकी पत्नी का उधर चक्कर चलने वाला था। ये बहुत सुंदर है यार, मस्त हो रहे हैं वो। बहुत जनता है यार, बहुत लोग आए हुए हैं। इतनी लंबी लाइन। दिस इज द काउंटर फॉर बुक माई शो। हमारी टिकट्स बुक माई शो से हुई है। ओके, सो देर आर सो मैनी स्टॉल्स और बहुत लोग, माइक चल रहा है, पता नहीं क्या क्या है। अभी तो जस्ट पहुँचे हैं। इसको कुत्ता तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। तिब्बतियन मैस्टिफ का मस्त है यार, मतलब कुत्तों की इतनी सजावट, मतलब फुल फैंसी कपड़े बनाए गए हैं स्पेशल इनका। ओ, फुल ग्रूमिंग सेक्शन, नला धुला के इतना पैसा खर्च किया यार। ओके, सो आई पर्सनली लाइक हस्की। हियर यू गो, वी गॉट वन। No dogs inside because ये है cat zone अपना। Welcome to the welcome all cat lovers. इतना बड़ा hall जिसमें बिल्लों के बारे में, बिल्लों की जानकारी, बिल्ले ही बिल्ले।
ये मम्मी को पसंद आएगा, घर में भी है तीन चार बिल्ले के। लो जी ये इनके शायद टोकन नंबर होंगे 80125 बिल्लिया ही बिल्लिया। ये वैरायटी ठीक है भाई, ये ऊपर है कम से कम। भाई बिल्ला है क्या ये? We have a cat here. What's her name? Zero. Oh, nice. Zero. बाकी पता नहीं, पर अंकल के पेट पे मस्त बैठी है वो, फुल सोफा सेट। हेलो इसको, तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है इधर कुछ भी चल रहा है। परेशान है वो अपने जीवन से कि क्या करवा रहा है मुझसे। नहीं अब परेशान तो नहीं है बट सुस्त है। वो ये जैसी आने वाले सारे बिल्ले हैं। जिंदगी के मजे ये तेरे हाल है, इसके तेरे हाल है, अपने पड़े रहो, कुछ नहीं करना जिंदगी में। उनको केज में रखना पसंद नहीं है ना। अच्छा नहीं है सही केज रखना, बट आई एम होपिंग के ये घर में तो खुले रहते ही होंगे, बट यहाँ पे केज में रखा हुआ है इनको, क्योंकि यहाँ पे इतने खुले तो नहीं छोड़ सकते, भाग जाएंगे फिर शो भी खत्म हो जाएगा, आपस में भिड़ जाएंगे। हाँ मतलब भिड़ जाएंगे और भाग जाएंगे और शो फिर खत्म हो जाएगा। कैट्स को जैसे आप डॉग्स को प्यार करते हैं कि कोई भी टच कर लेता है वो नहीं करना चाहिए, डॉग्स को भी आप जो ओनर हैं उनसे पूछ के फिर टच करिए। बच्चे खासतौर से यू नो डोंट एंड अप जस्ट कि एकदम से आपने टच कर दिया, डॉग डर सकता है और डर की वजह से रिस्पॉन्स कर सकता है, राइट?
फाइनली आई हैव फाउंड द इंटरकास्ट लव स्टोरी। ये भाई है अपने जर्मन शेफर्ड, ये जर्मन शेफर्ड भाई का चक्कर चल रहा है इसके साथ, बताओ ये देखो ये What's your name? My name's Sangam Jasti. Okay, and you are the co-founder for this? Yeah, I'm the co-founder. Okay, tell us about something. So, Petala is grooming and veterinary services on wheels. Everything is done here. Okay. We have hired professional groomers that can handle all kinds of pets and any sizes. Nice. Everything will fit over there. Okay. So, if you want, we also have Bangalore's first pet taxi. Transport your pet from any location. Okay, so this is something we should check out. They are providing home-to-home services. Yeah, home-to-home. Yes, this is the website. This is the number. You guys can reach out to them if you need any. I have some of my friends. I'll definitely recommend you. Thank you. And yes, she's just 17 years old. Yeah. Okay, this shop looks cool. It's sparky and they have made something like this. This looks nice. Which one? That's 4,000 pounds. This opener. Yeah, one. All these are handmade? Yes, handmade. Nice. I saw this. This looks cool. उनके लिए अच्छा है, जिनके पेट्स हैं, हमारे जैसे जिनके पास कुछ नहीं है, बस हम देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एक और छोटे मियां ये भी एक और है। हेलो, सिंस इट वॉज सनी डे तो बहुत गर्मी की वजह से लोगों और कुत्ते और बिल्लियाँ जो भी थी, कैट्स एंड डॉग्स, वो भी थोड़ा हाँफ रहे थे और लथार्जिक थे सारे के सारे। बट यस, यहाँ पे इनके लिए शॉप्स थी, इनकी केयर टेकिंग में आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सब कुछ बताया जा रहा था। इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। आई हैव सीन फर्स्ट टाइम समथिंग लाइक दिस हैपनिंग इन बैंगलोर और एनी वेयर। So let's end this vlog guys. Thank you so much for tuning in और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आप पेट लवर हैं या नहीं हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पेट से प्यार करना चाहिए हमेशा, क्योंकि पेट्स पेट्स होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि यू शुड बाय फुल फैंसी पेट्स, मतलब ये अच्छे वाले, आप जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको भी रख सकते हैं। मेरे पास घर पर 3-4 बिल्ले हैं, कुत्ते हैं, कुत्ते तो बहुत सारे आते रहते हैं, सो आई फीड देम, मैं नहीं मतलब मेरे मम्मी फीड करते रहते हैं उनको। सो इट वॉज़ अ गुड संडे दैट वी इन्जॉयड। और यहाँ पे जो हम
पेट्स थे, पेट लवर्स थे, इनको देख के बहुत अच्छा लगा। तो आप सभी लोग स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। अभी हम बैंगलोर और भी एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं आगे कुछ आता है।